नमस्कार, मेरा गांव मेरा देश के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। इस खास एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के इस खास एपिसोड में हम आपको ले जाने वाले हैं उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जनपद के सुदूर गांव रिगोली में। रिगोली गांव पहाड़ों की ऊंचाई में काफ़ी बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ है और ये गाँव कई भागों में विभाजित है। अभी हम खड़े हैं रिगोली गांव के निचले भाग में, जहां पे रिगोली गांव की ये सड़क है। इस गांव तक पक्की सड़क की सुविधा है और ये है इस गांव का प्रवेश द्वार। तो आइए प्रवेश करते हैं रिगोली गांव की तरफ। और पूरे रास्ते में यहां पे जो है पानी बहता हुआ नज़र आता है, क्योंकि बरसात का मौसम चल रहा है पहाड़ों में। और पहाड़ों में बरसात के मौसम में इसी तरह से जो है पानी जगह जगह से निकलता है, पहाड़ों की घाटियों से, पहाड़ पर्वतों की ऊंचाई से, हर जगह से जो है बरसात में यहाँ पे पानी निकलता है। और ये देखिए, ये रिगोली गांव का पैदल मार्ग है और इस पैदल मार्ग में देखो कितना पानी जो है बहता जा रहा है। तो ये कहीं ऊपर से पानी आ रहा है जो कि नीचे की तरफ जा रहा है। मेरे जूते भी जो है पूरे भीग चुके हैं और पता नहीं अब कैसे जो है आगे का सफर रहेगा रिगोली गांव का। पूरे रास्ते पे पानी है, जूते हाथ पे लेके चलना पॉसिबल नहीं है क्योंकि पाँव में कांटे भी चुभ सकते हैं, क्योंकि यहाँ के रास्ते बहुत पथरीले होते हैं। कितनी अधिक मात्रा में यहाँ पे पानी बह रहा है वो आप बखूबी देख सकते हो कि पहाड़ों में पानी का स्तर कितना बढ़ जाता है बरसात सीजन में। तो इस तरफ से ये पानी बहता हुआ आ रहा है, गांव के दाहिनी दिशा की ओर से ऊपर से कहीं से ये पानी आ रहा है। और अब मुझे यहाँ से जो है बाईं तरफ जाना है और यहाँ से मुझे ऊपर की तरफ जाना है। तो रिगोली गांव में पुराने मकान, नए मकान, दोनों प्रकार के मकान आपको दिखाई देते हैं। काफी चढ़ाई करने के बाद मैं अभी भी आधे रास्ते में पहुंचा हूं और सामने दिख रहा होगा आपको एक छोटा सा घर बिल्कुल सामने की पहाड़ी पे। तो उसी तरफ मेरे को जाना है और यहां से लगभग मुझे जो है आधा घंटा जो है लगेगा। तो अभी मैंने आधी दूरी भी तय नहीं करी है और बिल्कुल चढ़ाई का रास्ता है। तो मुख्य सड़क से गाँव तक पहुँचने में लगभग जो है आधे घंटे से भी ज़्यादा का वक्त लगने वाला है मेरे अनुमानतः। और रास्ता बेहद पथरीला है और आसपास देखो कितना घना जंगल है। यहाँ पे ज़्यादातर आपको बांज के पेड़ मिलेंगे और नीचे ये चुलाई की फसल है जो कि पहाड़ों में काफ़ी प्रसिद्ध है, जिसे पहाड़ी भाषा में मार्छा कहते हैं, मार्छे की फसल। ये पूरे नीचे खेतों में मार्छे की फसल है, चुलाई की फसल, जो कि 3-4 महीनों के बाद तैयार होती है। और इसके ठीक सामने देखो ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बेहद घना जंगल। दाहिनी तरफ आप देखोगे तो आपको पूरा घना जंगल दिखाई देगा और जंगलों के बीच यहाँ पे रिगोली गांव बसा हुआ है। और सामने की तरफ देखो कितना घना जंगल है। तो इसी घने जंगल से होते हुए मुझे पहुँचना है रिगोली गांव में। सारे आपको जो पेड़ दिखाई दे रहे हैं ये बांज के पेड़ हैं जो पहाड़ों में काफ़ी प्रसिद्ध हैं। बांज के पेड़ बेहद मजबूत लकड़ी माना जाता है बांज को। तो ये है वो बांज की लकड़ी, ये देखो काट के लोगों ने जो है यहाँ पे सुखाने के लिए रखी हुई है। तो इसी बांज की लकड़ी को लोग जलाने के लिए उपयोग में लाते हैं। तो ये रास्ते के किनारे पे सुखाने के लिए डाली हुई हैं लकड़ियाँ। और यहाँ सामने की तरफ देखो आप, ये रिगोली गांव के पुराने घर। और चारों तरफ देखो आप गांव के, यहाँ पे 2-3 घर हैं और चारों तरफ जंगल से घिरा हुआ है और बेहद खूबसूरत। देखिए बिल्कुल पहाड़ की चोटी पे और घने जंगल के बीच ये लोग किस तरीके से रहते हैं, ये वाकई मानने वाली बात है। और ये पुराना घर देखो रिगोली गांव का, तो ये काफ़ी पुराना घर है जो कि खंडहर अवस्था में पड़ा हुआ है। ये पुराने किस्म का घर है जो पत्थर मिट्टी से
पहाड़ों के पुराने घर बनाए जाते थे, ये उसी प्रकार का एक घर है जो ऊपर से तिरपाल से जो है ढका हुआ है, और ऊपर एक ही घर दिखाई दे रहा है, बाकी तो कोई नज़र नहीं आ रहा। और ये सामने की तरफ पुराने घर जो कि नीचे से भी दिखाई दे रहा था, और यहाँ पे पहुँचने के बाद पक्के मकान भी दिखाई दे रहे हैं। तो इतनी ऊंचाई पे लोगों ने पक्के मकान बनाए हुए हैं जो कि हैरान करने वाली बात है। तो ये पुराना घर पूरी तरीके से टूटा हुआ है, जिसको इन्होंने ऊपर तिरपाल से जो है ढका हुआ है। और आगे की तरफ बढ़ते हैं रिगोली गांव की तरफ, और सामने ये पक्का मकान दिखाई दे रहा है। तो इतनी ऊंचाई पे लोगों ने यहाँ पे जो है पक्के मकान बनाए हैं, जो कि काफ़ी हैरान करता है कि इतनी ऊपर तक ये लोग किस प्रकार से मकान के लिए मटेरियल लेके आए होंगे, जो कि काफ़ी दूर है सड़क से। तो और सामने की तरफ देखो कितना सुंदर नज़ारा है, और बिल्कुल घना जंगल है। तो इस घने जंगल के बीचों बीच ये लोग यहाँ पे सरवाइव करते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। और पहाड़ों के लोग कैसे रहते हैं देखो। और यहाँ पर भी देखो आप, पूरे रास्ते में पानी है। और अब फिर से मेरे जूते भीगने वाले हैं। तो बरसात के मौसम में पहाड़ों के रास्ते भी जो है पानी पानी हो जाते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल सावधानी से चलना पड़ता है कि आपका पाँव ना फिसले और आप गिर ना पड़ो। तो आपको बड़ी सावधानी से चलना पड़ता है, पथरीले रास्ते होते हैं। और सामने का नज़ारा देखो, बेहद खूबसूरत, बेहद सुंदर नज़ारा। ये बिल्कुल नेचुरल वाटर होता है, आप इसको पी सकते हो। और ये पहाड़ों का स्प्रिंग वाटर एक तरीके से होता है, रॉ वाटर। और यहाँ के लोग इसी पानी को पीने के उपयोग में लाते हैं, और इसी पानी को ये लोग पीते हैं जो कि काफ़ी मिनरल से भरा हुआ होता है। तो यहाँ पे मुझे आंटी जी मिली जो कि गोबर ढो रही हैं। तो लोग घर से गोबर डालने के लिए दूर ले जाते हैं, अपने घर से दूर, और वहाँ पे एक ढेर लगाते हैं गोबर का, फिर ये लोग जो है खेतों में डालने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं। ये चूजा कौन है? गोंग ये कौन है? रिगोल पुवर भी ये गणबांज बोदी नहीं मोते गणमानी गणबांज गणबांज हां बोला। तो आंटी जी के पीछे पीछे चलते हैं उनके घर और उनसे बातचीत करते हैं। तो अभी सुबह का वक्त है, सुबह के लगभग 10 बजे हैं, और आंटी जी अपने आंगन में गोबर को इकट्ठा कर रही हैं। और हर सुबह लोग गोबर को इसी तरीके से इकट्ठा करके और घर से दूर ले जाते हैं।